आदाब नाज़रीन, पुकार न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान शाफिया रियाज़। पेश है इस वक्त की सुर्खियां। मिशन स्टेटहुड के सदर सुनील डिंपल ने रियासत की बहाली और कबलज़ वक्त इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में 19 अपोजिशन जमातों के इजलास का खैर मकदम किया है। डिंपल ने इन तमाम सियासी जमातों और तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टरों से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर का दौरा करें और 5 अगस्त 2019 के बाद नौजवानों और लोगों की हालत को ज़ाती तौर पर देखें। ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है, वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर ये मांग कर रहा था कि हमारी रियासत का दर्जा हमें वापस दिया जाए, हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा विशेष अधिकार, स्टेट सब्जेक्ट हमको वापस दिया जाए। और आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि 19 अपोजिशन पार्टीज जो देश की हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर के एक मीटिंग की है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद और तमाम रियासतों के मुख्यमंत्रियों ने ये वर्चुअल मीटिंग करके ये मांग उठाई है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए और जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी ये मांग है कि यही तक नहीं है हमारा जम्मू मिशन स्टेटहुड का रोड मैप। मिशन स्टेटहुड की ये मांग है कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा किया जाए और साथ में पीओके गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे भी नए नक्शे में शामिल किया जाए। और साथ में अच्छा होता अगर ये सारे विपक्षी दल वर्चुअल मीटिंग की बजाय जम्मू कश्मीर में खुद आते हैं और यहाँ पे मीटिंग करते और लोगों से, नौजवानों से और जम्मू कश्मीर की आवाम से मिलते और देखते कि हम 5 अगस्त 2019 के बाद किस बदतर जिंदगी को हमारे आवाम और पढ़े लिखे नौजवान जी रहे हैं। इसी के साथ हम इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं पूरे तमाम भारत के रियासतों के मुख्यमंत्रियों को ये न्योता देता हूँ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करता हूँ कि वे जम्मू कश्मीर में आए, अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे और सारे मुख्यमंत्री जो देश के हैं वो जम्मू कश्मीर में आकर के खुद जायजा लें कि हमारे जम्मू कश्मीर के किस हालात और दौर से गुजर रहा है। और हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी हम कहेंगे कि पहले रियासत का दर्जा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। ये मिशन स्टेटहुड का रोड मैप है और हमें कुछ भी मंजूर नहीं होगा अगर हमें रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर और लद्दाख इकट्ठा किया जाए, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए और जम्मू कश्मीर के में आकर के तमाम राजनीतिक दल एक मीटिंग्स करें, मुख्यमंत्री मीटिंग्स करें। और आज की मीटिंग जो तमाम 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने की है इसका हम स्वागत करते हैं। मिशन स्टेटहुड की पहले दिन से ये मांग रही है कि तमाम राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं और इस जमी को हम एक साथ लड़ेंगे और उसी बात को लेकर के। और साथ में मैं ये कहूंगा कि हमें 5 अगस्त 2019 से पहले वाली रियासत चाहिए और जो जो काले कानून हम पे थोपे गए हैं जैसे लैंड एक्ट, लैंड लॉज, डोमिसाइल लॉज,